हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टाफ। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट किया है और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं रिलेशनल अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन। फाइन, तो अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, मैं क्वेश्चन सेट और सेमेस्टर में पूछे हुए क्वेश्चंस, कई सारी चीजें मैं लेके आऊंगी फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं कि अगर आपको रिलेशनल एलजेब्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं तो आप कौन से ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, कहाँ पे किस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो आप अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन दिया जाए कि आप इस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी निकालिए या मिनिमम सैलरी निकालिए, आपके पास जितना डेटा है उसमें अगर आप सैलरी नाम का एक एट्रीब्यूट है उसका आप सम निकाल के बताइए, तो ऐसे जगह पे आपको एग्रीगेट फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शंस हमारे क्या करेंगे, इट टेक्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट। मतलब जैसे आपके पास सैलरी हुई, ठीक, ये सैलरी है, सैलरी में से आप मान लीजिए इसमें आपके पास 100 वैल्यूज है और जब आप कोई एग्रीगेट फंक्शन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये है कौन कौन से, 5 हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहले आपका आता है एवरेज, ठीक है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखिए एवीजी, मिनिमम टू गेट द मिनिमम वैल्यू आउट ऑफ मल्टीपल गिवन वैल्यूज, एंड इसके बाद आपका आता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स यूज करेंगे, सम निकालने के लिए सम यूज करेंगे, एंड काउंट के लिए आप काउंट ऑपरेटर को यूज करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन को, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो आप एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसके सिंटेक्स के बारे में मेंशन करें तो सही तरीका ये है कि जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन या एग्रीगेट ऑपरेशंस को यूज करते हैं रिलेशनल एलजेब्रा में या एसक्यूएल में कहीं पे भी, तो आप ग्रुपिंग ऑपरेटर या एक्चुअली ये जो ग्रुपिंग एट्रीब्यूट है उसको आप जरूर यूज करें, ठीक है। किस बेसिस पे आप इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, एक आध क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप बेहतर समझ में आएगा। तो एग्रीगेट फंक्शन इन रिलेशनल एलजेब्रा कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आपका ग्रुपिंग ऑपरेटर। कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे आपको ऐसे जी के फॉर्म में, कहीं आप ये इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, कहीं पे ये गामा के फॉर्म में लिखा है। तो ग्रुपिंग ऑपरेटर हो सकता है अलग अलग बुक में, अलग अलग जगह आपको अलग अलग फॉर्म में मिले, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश जी लिखा हुआ है, और या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप जो है थोड़ा सा इसको गामा के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा ग्रुपिंग ऑपरेटर है, ठीक है। अब आते हैं कि फंक्शंस, ये यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जो आप जी के इस साइड में लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं ये सारे ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स हैं, और जो राइट साइड में है ये सारे फंक्शंस हैं विद एट्रीब्यूट, कि जो भी एग्रीगेट फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से एट्रीब्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे तो मैं फिर से कह रही हूँ और क्लियर होगा। तो और इसके बाद कौन से टेबल को आप यूज कर रहे हैं, दैट इज ई इज रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी, राइट। तो ई इज एन रिलेशनल एलजेब्रा एक्सप्रेशन, ठीक है, वैसे यहाँ पे हम टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये ग्रुपिंग एट्रीब्यूट है और ये है ग्रुपिंग फंक्शन, और सॉरी ग्रुपिंग फंक्शन नहीं, एग्रीगेट फंक्शन विथ एट्रीब्यूट, की ये वाला एग्रीगेट फंक्शन आप कौन से एट्रीब्यूट पे अप्लाई कर रहे हैं और किस बेसिस पे आप या क्या ग्रुपिंग करके आप एग्रीगेट फंक्शन को निकाल रहे हैं या नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए इसको यूज करना है। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम सैलरी फॉर एवरी डिपार्टमेंट, राइट। अगर मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास रोज हैं, ठीक है, उनको डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने का क्या मतलब है कि डिपार्टमेंट नंबर 1 सारा एक साथ आ जाए, डिपार्टमेंट नंबर 2 एक साथ आ जाए, डिपार्टमेंट नंबर 3 एक साथ आ जाए, ग्रुप आ गया, ठीक है, ग्रुप्स बन गए, एक तरह से क्लस्टर्स बन गए, ठीक। अब इसमें से ये जो हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी क्या है आप उसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ग्रुपिंग एट्रीब्यूट मेंशन करना होगा टू यूज द एग्रीगेट फंक्शन, और यही सही भी लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप ग्रुपिंग एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते हैं तो आपका जो डेटा निकल के आएगा, ये जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट सा दिखेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो G1, G2, GN इज अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट ऑन विच टू ग्रुप, ठीक है। इसको आप एम्प्टी भी कर सकते हैं, मतलब आप
कोई भी ग्रुपिंग फंक्शन या ग्रुपिंग एट्रीब्यूट ना यूज करें तब भी चलेगा. एफ आई इज एन एग्रीगेट फंक्शन, ओके, एंड ए आई इज एन एट्रीब्यूट नेम, मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन को कौन से एट्रीब्यूट पे लगा रहे हैं, यही चीज आपका ये बता रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो चलिए एक एग्जांपल है यहाँ पे कि आपको एक रिलेशन आर गिवन हुआ गिवन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट सी है, ठीक है, एट्रीब्यूट सी, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन भी नहीं फ्रेम करेंगे. कोई भी एट्रीब्यूट अगर गिवन है उसका अगर आपको सम निकालना है तो आप सिंपल सा, ये हमने ग्रुपिंग ऑपरेटर यूज किया, ठीक है, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे कि सम ऑफ विच एट्रीब्यूट, किसका एट्रीब्यूट, किसका सम निकालना चाहते हैं, सी का निकालना चाहते हैं. तो सम के साथ हमने क्या लिखा, सम ऑफ सी फ्रॉम विच रिलेशन, रिलेशन का नाम है आर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर. और ये देखिए आप इसको ऐसे ही अज्यूम करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा ये जैसा यहाँ पे लिखा होगा आपने सम सी, ठीक है, ये आया और इन सबका सम आपको यहाँ पे लिख के आ गया. थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज है उसके लिए आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कुछ काम चल रहा है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज सैलरी. जैसा मैंने कहा था, मैंने मैक्सिमम मिनिमम की बात करी थी और यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी की बात की गई है. तो एवरेज पूछा गया है तो इसका मतलब आपको कौन सा ऑपरेटर या कौन सा फंक्शन यूज करना है, एवरेज. तो फाइंड द एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, राइट. तो हर एक डिपार्टमेंट का आपको एवरेज सैलरी फाइंड करना है. तो हम इसको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको ग्रुपिंग एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आधी अधूरी लगेगी, ठीक है. तो हमने क्या लिखा जी, इसके लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं, ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, किसके बेसिस पे आपको ग्रुप करना है, किसके बेसिस पे ग्रुप करना है. आपसे कह रहा है हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप करेंगे, ठीक है. अब एक चीज और, आप इसे डिपार्टमेंट नेम से भी कर सकते हैं और डिपार्टमेंट नंबर से भी ग्रुप कर सकते हैं, भाई जो यूनिक हो. तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नेम लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आईडी किसकी गिवन है क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, आईडी को हम हटा देते हैं. यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे हम चीजों को ग्रुप करेंगे. इससे क्या होगा, जब आप डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ग्रुप करिएगा तो कंप्यूटर साइंस पूरा एक साथ आ जाएगा, बायोलॉजी एक साथ आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल, देखिए जिस तरह से ये बना है ना, ये ग्रुप बनने के बाद आपको रिजल्ट दिखा रहा है. लेट मी शो यू, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करती हूँ ऊपर की तरफ. ये देखिए जब आपने डिपार्टमेंट नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग करी है तो डेटा आपका देखिए इससे बना आ रहा है. ये एक ग्रुप ये बना बायोलॉजी का, एक ग्रुप बना कंप्यूटर साइंस का, एक बना इलेक्ट्रिकल का, एक बना फिनेंस का, एक हिस्ट्री का, म्यूजिक का और फिजिक्स का. तो आपके पास इतने सारे ग्रुप्स बने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सात ग्रुप बन गए, ठीक है. अब इसमें से आपको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है. तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इनबिल्ड है. तो एवरेज ऑफ सैलरी फाइंड कर लीजिए और ये आपको फाइंड करके यहाँ पे दे दे रहा है, ठीक है. और साथ में टेबल का नाम जरूर मेंशन करेंगे कि ये जो टेबल है ना इसका नाम है इंस्ट्रक्टर, ठीक. तो स्टेप क्या हुआ कि भाई आपको गिवन टेबल थी इंस्ट्रक्टर नाम की, इंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, इंस्ट्रक्टर है. कोई भी टेबल गिवन थी, ठीक है, पहले आपने उस पर ग्रुपिंग की, पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, जब आपने ग्रुपिंग कर ली उसके बाद ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, मतलब उसके बाद आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं. और ये देखिए इस तरह से रीजनेबल भी लग रहा है कि भाई इस डिपार्टमेंट की ये एवरेज सैलरी है, इस डिपार्टमेंट की ये एवरेज सैलरी है. अब अगर आप इमेजिन करिए कि हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम नेम ना दें तो ये कैसा लगेगा भाई, आप क्या समझेंगे, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लगेगी, ये किसकी एवरेज सैलरी है हम क्या समझे, है ना. इसीलिए हम ग्रुपिंग एट्रीब्यूट को साइड में मेंशन करते हैं. फाइन, आगे बढ़ते हैं. अब एग्रीगेट फंक्शन, रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन डज नॉट हैव अ नेम. तो अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो एज यूज कर सकते हैं. जैसे ये देखिए आप इसको अपने हिसाब से एज देके ये यूज कर सकते हैं. जैसे आप ये तो ग्रुपिंग ऑपरेटर है, दिस इज योर ग्रुपिंग एट्रीब्यूट. इसके बाद ये जो एग्रीगेट फंक्शन है इसी नाम से बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल बनेगी, ठीक. अगर आप इसे दूसरा नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए लिखिए एज एवरेज अंडरस्कोर सैलरी, जो भी नाम दीजिए ये आपके ऊपर है, ठीक है. एज यूज करके आप टेबल के जो एट्रीब्यूट है या जो वैल्यू ऑफ फाइंड कर रहे हैं उसको रीनेम कर सकते हैं और ये हो गया टेबल का नाम. तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट फंक्शन के बारे में. इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम ये वाला स्कीमा लेके चल रहे हैं. देखते हैं शायद मिल जाए.
स्कीमा इसमें नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वो स्कीमा नहीं है, इसको मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर आपसे एक क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन ईच डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हमें एक चीज, हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉई को फाइंड करना है, तो डिपार्टमेंट नंबर को हम क्या कर ले, मान लो हमारे पास टेबल ये है, एम्प्लॉई नाम की एक टेबल है, एम्प्लॉई का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और इनका डिपार्टमेंट नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, सैलरी है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी भी है, ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपका प्राइमरी की है, ठीक है, दिस कैन नॉट बी नल। तो हम क्या करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में जितनी भी एम्प्लॉय आईडी आ रही है, हम उसको कोई काउंट कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे, जैसे हमने लिखा ये हमारा ग्रुपिंग ऑपरेटर, ठीक। किसके बेसिस पे हम इसको ग्रुप करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, पहले हमने ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, कौन से टेबल पे कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल पे कर रहे हैं, और हमें फंक्शन क्या लगाना होगा, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे काउंट, और काउंट क्या करेंगे हम, ई आई डी, तो हमने लिख दिया काउंट ई आई डी, ठीक है। तो ये क्या आपको रिजल्ट देगा, एक टेबल बन के आएगी जिसमें यहाँ लिखा रहेगा डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ लिखा रहेगा काउंट ऑफ ई आई डी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे जैसे आपको मिनिमम फाइंड करना हुआ, मैक्सिमम फाइंड करना हुआ, सम ऑफ सैलरी फाइंड करना हुआ, एवरेज फाइंड करना हुआ। तो इस तरह से मैं और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी, प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं सब लेके आऊंगी कि रिलेशनल एलजेब्रा, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली।